व्यवस्था मत पास में रखो कि तुम्हारे परमात्मा से प्रीति दूर होने लगे। तब ये कल्पना कि मैं सन्यासी हूँ जंगल में रहता हूँ, ये कांतवास में रह कर के हरि सुमिरन करता हूँ। स्थाई है कि भगवान का जन्म कराया जाए। वेट सीधे अगर और लोगों जैसा काम करना हो आपको पता होना चाहिए 10 मिनट ले लगे तार तम्यता से आएंगे तो ज्यादा मजा आएगा, नहीं तो फिर चतुर्थ श्लोक ही सुनाऊं मैं भी। आदो राम तपो वनाधिगमनम हत्वा मृकांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम। मंदराचल पर्वत क्या हुआ वहां से देखें, 20 निकला और
अमृत भी नहीं। बहुत गुप्त रहस्य हैं जो हमें जानने चाहिए। विष निकला, जगत में हाहाकार मच गया, उसे किसी ने नहीं पिया, लेकिन भक्तों के हित के लिए स्वयं नारायण ने पी लिया। यानी जगत के पालक तारक सृजन संहार करता देवाधिदेव महेश्वर ने उस विष का पान किया और तभी से उनका नाम पड़ गया नीलकंठ। अब अमृत निकल गया है, अमृत को पीने की पारी है। शुक्राचार्य के शिष्य राहु अमृत की पंक्ति में बैठ गए हैं। पहले तो विभाजन पे लड़ाई कौन करेगा, तो उस अमृत के विभाजन के लिए भगवान ने मोहिनी स्वरूप में उतार लिया। यह अवतार है, लेकिन रामकृष्ण अवतारी हैं, अंतर समझिए। परशुराम भी अवतार है, देवऋषि नारद भी अवतार है। मोहिनी स्वरूप में भगवान ने अवतार लिया और अपने हाथ से अमृत बांटने लगे। ये व्यवस्था हुई कि देवताओं से अमृत बांटना शुरू होगा। राहु को लगा कि मेरे भाग्य में अमृत आया ही नहीं, आने तक खत्म हो गया तो क्या करूंगा, इसलिए देवताओं की पंक्ति में जाकर बैठ गया। सूर्य चंद्र ने देखा, मोहिनी विश्व मोहिनी भगवान श्री हरि को इशारा किया गया और देखते देखते ही उन्होंने अपने चक्र से उसके गर्दन को अलग कर दिया। पास से दो ग्रह बढ़े, एक ग्रह बढ़ गया, पहले आठ थे अब नौ हो गया, राहु और केतु। और वही कारण है वर्ष में एक बार ये दोनों सूर्य और चंद्र को ग्रहण लगाते हैं। भगवान की लीलाओं को तारतम्यता से जाने, प्रहलाद के बारे में चर्चाएं करते रहेंगे, समीप आए, लेकिन कुछ चीजों को ज्ञान होना जरूरी है। प्रहलाद के बारे में कहें हिराक्ष का अवतार हुआ, भगवान ने परशुराम रूप में अवतार लिया। सारे अवतार हैं, लेकिन राम और कृष्ण अवतारी हैं। उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पृथ्वी पे पाप बढ़ गया है, कंस का अत्याचार बढ़ गया है, चर्चाएं हम कल करेंगे, क्योंकि भक्तों की बात भी सुननी है ना। ज्ञान होना आवश्यक होता है तारतम्यता से। आपको पता है कि पूरे सृष्टि में पहले सिर्फ शुक्ल पक्ष होता था, अंधेरी रात थी ही नहीं। अब समय अभाव है, आप लोगों ने आदेश दिया तो हम कृष्ण जन्म पे आएंगे और बाकी गुप्त रहस्य फिर कभी जब कथा कहे होगा आएगा तब। पहले क्या था, कृष्ण पक्ष हुआ ही नहीं था। हमें ज्ञान होना चाहिए चंद्रपा पे काला धब्बा क्यों है, हमें पता होना चाहिए, तब हम बच्चे को सिखा पाएंगे ना। कि एक बार इंद्र की कुदृष्टि पड़ी, चंद्रमा ने साथ दिया, गौतम पत्नी अहिल्या की सुंदरता से प्रभावित चंद्रमा ने मुर्गा बन के आवाज दी। गौतम ऋषि स्नान करने गए, गंगा में चरण रखते ही गंगा प्रकट हो गई और कहने लगी, मध्यरात्रि में गंगा को नहीं जगाया करते, जिसे तुम मुर्गा समझते हो वो मुर्गा नहीं है। और गौतम ने अपनी मृग चर्म को निकाल कर फेंका, वही धब्बा आज तक चंद्रमा पे नजर आता है। पूरे काम के सहयोगियों को जीवन भर कलंकित रहना पड़ता है। पृथ्वी
पे सिर्फ और सिर्फ शुक्ल पक्ष था, उजाली रात अंधेरी थी नहीं। एक बार प्रजापति का अपमान कर दिया था चंद्रमा ने, अब भगवान शंकर के साधु है वो, प्रजापति के जामाता। निर्णय देने की व्यवस्था शिव को दी गई थी। शिव ने कहा अति उत्तम, मैं दोनों पक्ष से फंस रहा हूं, एक तरफ पाप दूसरे तरफ पाप का प्रताप, तो जाओ पाप का प्रायश्चित करना पड़ेगा और 15 दिन के लिए तुम प्रकाशहीन हो जाओगे। उस दिन से हो गया अंधेरी पक्ष। हमारे कर्मों से ही हमारी कीर्ति है। गीता कहता है ना, अंत काले च मुमुक्षुणां, जिसका अंत सुधर गया उसी का जीवन सार्थक है, बाकी तो सब नास्तिक है। पहले कहा था, पहले शुक्ल पक्ष ही था, कृष्ण पक्ष उसके बाद आया। अगर आपके सामने आपका कोई प्रिय व्यक्ति अपमानजनक बात करे तो आप उसे पनिशमेंट देते हो ना, आपने मेरा नुकसान कर दिया तो तेरी तनख्वाह से काट लेंगे। आपने अगर समाज में कोई गलत काम कर दिया तो समाज से बाहर निकाल देंगे, देते हैं ना पनिशमेंट। ये हमारी भारतीय संस्कृति की सनातन की परंपरा है। हिरण्यकश्यप प्रहलाद के बारे में भी चर्चा करेंगे आगे प्रसंग अनुसार। कंस का और देवकी का अगाध प्रेम दुनिया में चर्चित है, ये मान के चलिए कि वो धरती है जहां बेचूंगा मैं द्वारिका, चोरी करूं ब्रज में जाई, कपड़े की गठान में द्रौपदी बन जाऊंगा। बेचूंगा मैं द्वारिका, चोरी करूं ब्रज में जाई, कपड़े का गठान में द्रौपदी बन जाऊंगा, इतने में ना पूरा पड़े दिगंबर हो जाऊंगा, और पीतांबर उड़ा के तेरी लाज में बचाऊंगा। द्रौपदी को उनके पति जुए में हार गए हैं। जब तक द्रौपदी को यह भान था कि धनुर्धारी अर्जुन के होते हुए मुझे कुछ नहीं होगा, गदाधारी भीम के होते हुए मुझे कोई छू नहीं सकता, गुरु द्रोण और भीष्म के होते हुए धर्म हानि नहीं हो सकती, तब तक भगवान का आगमन नहीं हुआ। और जैसे ही द्रौपदी ने समर्पण किया, कृष्ण ने कह दिया अरे द्रौपदी तेरे लिए मैं मेरी द्वारिका बेच दूंगा, इतने में भी नहीं पूरा हुआ तो मुझे लोग चोरों का सरदार कहते हैं, पहले मैंने ब्रज में माखन चुराया, गोपियों के दागीने चुरा लाऊंगा, इतने में भी नहीं पूरा हुआ दिगंबर हो जाऊंगा, निर्वस्त्र हो जाऊंगा, मेरी बहन मेरी पीतांबरी तुझे उड़ा के लाज बचाऊंगा, ऐसा भाई बहन का प्यार भारत में होना चाहिए। और कल्पना है यह ऐसी कि जब साड़ी खींच रहा था दुशासन तो एक पल ऐसा भी आया, क्योंकि भगवान वस्त्र रूप में अवतार ले चुके थे, सारी बीच नारी है कि नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है, पूरी प्रकृति में सिर्फ साड़ियां नजर आ रही थी। चीर खींच रहा था दुशासन, द्रौपदी की पीता साड़ी के अंतिम छोर से भगवान की पीतांबरी नजर आई, और पीतांबरी के पीछे सुदर्शन नतहास करके गरजने लगा। दुर्योधन ने कहा भाग भाग दुशासन भाग, क्योंकि पीछे चक्र चला रहा था। आपके घर में पीतांबरी होने का मतलब भगवान विष्णु के होने का संकेत। कंस की बहन देवकी का विवाह वासुदेव जी से तय हुआ है। अब विवाह की बात करें तो थोड़ा सा कितनी भी जल्दबाजी हो तो संस्कारों को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। संस्कार कितने प्रकार के हैं, संस्कार कितने प्रकार के, हमें ज्ञान होना चाहिए, हमें यह भी नहीं पता, फिर भी हम सनातनी हैं।
13 संस्कार है, 3 उप संस्कार है, इसे 16 संस्कार कहा गया। बच्चे ने जन्म लिया नामकरण संस्कार, ब्राह्मण कुल में बड़ा हुआ यज्ञोपवी संस्कार, विवाह संस्कार हो गया, बच्चा गर्भ में आया गर्भाधान संस्कार हुआ, और सबसे आखिरी तो अंत्येष्टि संस्कार होता है। हमें ये सब जानना चाहिए। मुझे एक बालक ने कहा करके, मैं गुजरात में नहीं, वहां बालाजी की कथा रही, लोगों ने कहा महाराज जी मैं तो आज भ्रमित हो गया। मैंने बोला कैसे? बोले गुरुदेव आपको मैंने यहां देखा तो आपकी उम्र बहुत कम है, लेकिन बाहर जब मैं आपकी बातों को सुनता हूं तो अनुभव 90 साल का लगता है। आपकी उम्र तो बहुत कम है ना, ये सरलता, ये सादगी, ये चंचलता, ये अल्हड़पना देख करके लोगों को लगता है कि अरे यार बच्चा है, लेकिन जब आपके अनुभव सुने, जब आपकी मर्मज्ञता देखी, जब आपके गुप्त रहस्यों का संग्रह देखा, जब आपके व्याकरण शैली को देखी, तो मुझे लगा कि आपकी आयु 90 वर्ष है। सही समझा उसने। मैंने कहा भाई मेरी आयु 90 नहीं, 140 है। देखने में 42 है, आयु 140 है। कारण कई जन्मों के पुण्य प्रारब्ध जब थोड़ा 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 इकट्ठा होता है, तब भगवान इसे जगह पर बैठा के पुजवा देता है। उसे पूरा करने में तो हजारों वर्ष लग गए होंगे, ये शरीर से ही तो 42। एक जन्म का फल नहीं है, माता पिता की तपस्या है, गुरुजनों का स्नेह है, पूर्व जन्म का प्रारब्ध है, ये उसका फल है। हमारे पेड़ को तो अभी हम सींचेंगे, है ना। व्यक्ति के 3 कर्म है वेदों में, संचित, वर्तमान और प्रारब्ध। अब यहां पर विवाह तय हो गया। विवाह करने से पहले कुछ देखा जाता है, सुंदर घर और सुंदर वर, और उसके लिए गुण मिलाए जाते हैं, नक्षत्र, ग्रह, योग, नाड़ी, यौनी। अगर मंगल वक्री, बुध उच्च का, शनि निम्न भाव, तो मांगलिक हो गया। तो मांगलिक बच्चे से विवाह करा नहीं जाता है, क्योंकि उसका सांसारिक जीवन क्षणिक है। मांगलिक कन्याओं के विवाह के लिए एक व्यवस्था बताई गई है, एक वृक्ष से उसका विवाह करा दिया जाता है या शालिग्राम से, तो उसका दोष दूर हो जाता है। अगर मांगलिक कन्या से मांगलिक पुत्र का विवाह होता है वर का, तो ठीक है, लेकिन अगर एक मांगलिक है और दूसरा मांगलिक नहीं है, तो एक आधे की तो अकाल मृत्यु होगी या बहुत ही जल्दी तलाक हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। वो बात अलग है, आजकल शादी से पहले आई लव यू बोलते, शादी के दिन हाय चंद्रमुखी बोलते, 15 दिन में ज्वालामुखी फट जाती है, और 1 महीने बाद हास उपहास, 4 महीने डाइवर्स। नक्षत्र, ग्रह, यौनी, नाड़ी देखा जाता है। आपकी राशि का कौन सा भाव उच्च है? अब यहां पर आप ध्यान देने कि रामचरितमानस में या श्रीमद् भागवत में 3 इकट्ठा हुए हैं। अपने बुजुर्गों से पूछना अगर आपको ज्ञान नहीं हो तो, कृष्ण, कन्या और कंस। अब ये जहां 3 मिलेंगे वहां क्या होगा?